कल मिलते हैं ड्रैगन से। लैम्बो लेकर आओ, लैम्बो लैम्बो लेकर के आते हैं। मालिक आप कौन सी लेकर के आ रहे हो? बहुत तेज भक्ति है क्या? अरे फिर मेरी तो मर्सिडीज है भाई। जो रेस हारेगा वो अपनी गाड़ी दान में दे देगा। इतनी हाइप का F1 रेस की होती है, इतनी राव साहब और बाबू भैया की रेस की होती है। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys, and welcome to that episode जहां पर चीजें next level होने वाली है। आज finally guys हम लोग यहां से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, and the thing is तबियत बिल्कुल एकदम full power सही हो चुकी है। और दिल्ली जाकर के ना दो तीन plans एकदम खतरनाक हुए हैं। पहला खानजादी, दूसरा एलविश भाई। मेरी कल रात एलविश भाई से बात हुई, मैंने कहा एलविश भाई कहां पर हो? एलविश भाई ने कहा वो गुड़गांव ही है। एलविश भाई से पहले भी बात हुई थी, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मिल नहीं पाए। एंड भाई ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा था बिग बॉस के अंदर, तो फिर मिलना तो बनता यार। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि गाइज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, एंड एलविश भाई से भी मिलते हैं। याद है आपको हमारी पहले भी एक ड्रैग रेस हुई थी, तो क्यों ना ड्रैग रेस 2.0 करी जाए। पहले वाली ड्रैग रेस हम हार गए थे, हमारी मस्टैंग जीत ही नहीं पाई थी। बट याद है एलविश भाई, मैंने कहा था कि एक नई सुपर कार लेकर के आएंगे, उसके साथ ड्रैग रेस करेंगे। सो भी एलविश भाई को कॉल करते हैं, चैलेंज करते हैं गाइस ड्रैग रेस 2.0 के लिए। ये चेक करो गाइस, अभी तक ये लोग सो रहे हैं। एंड भव्य हमने गाइस अभी सो करके उठे। बट एक चीज बताओ लॉन्डो, कहाँ जा रहे हैं बताओ? दिल्ली और ड्रैग रेस के लिए जा रहे हैं। दिल्ली तक तो आधार कार्ड ही लग जाता है। लैम्बो के साथ। और ड्रैग रेस किसके साथ कर रहे हैं बताओ? एलविश भाई, राव साहब चैलेंज इज ऑन, फिर से ड्रैग रेस करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अभी एलविश भाई को कॉल करता हूँ और बताता हूँ क्या सीन है यार। ड्रैग रेस के लिए ऑन? ड्रैग रेस के लिए आ जाओ। चलो ठीक है एलविश भाई, कल मिलते हैं ड्रैग रेस। लैम्बो लेकर आओ, लैम्बो लैम्बो लेकर के आते हैं। मालिक आप कौन सी लेकर के आ रहे हो? बहुत तेज भक्ति है क्या? अरे फिर मेरी तो मर्सिडीज है भाई। मर्सिडीज हरा देगी लैम्बो को यार इस बार ये। चलो ठीक है एलविश भाई। ओके सो गाइस एलविश भाई से एकदम मस्त फुल पावर बात हो चुकी है। एंड द थिंग इज मुझे पता है लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। पहली जो ड्रैग रेस हम लोगों ने करी थी वो इतनी फटी थी ना इंटरनेट पे। बेस्ट ऑफ थ्री करा था एलविश भाई लास्ट टाइम। इस बार ना राव हो गए राव साहब, इस बार लैम्बोर्गिनी है हमारे पास। राव साहब आ रहे हैं आपसे ड्रैग रेस करने के लिए, एंड इस बारी लैम्बोर्गिनी V10 इंजन लेकर के आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा इस बारी तो बहुत। एलविश भाई के पास कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज। और मुझे नहीं पता ना, मेरे पास 580 HP गाड़ी है। लास्ट टाइम जब ड्रैग रेस करी थी ना एलविश भाई से, इतनी बुरी तरीके से हारे थे ना। बट यार ये जो चीजें करते ना हम लोग भाइयों के साथ मिलके, तो ना मजा आता है इंटरनेट पे सब लोगों को। एलविश भी वहां पहुंच गए थे। हमारा राजपाल यादव भी जा रहे हैं ना। हमारा राजपाल यादव भी जा रहे हैं। यही तो फ्लैग ऑफ करेंगे हमारी ड्रैग रेस में। सही, उठ जाओ फटफट उठते हैं। चलो एलविश भाई ड्रैग रेस के लिए ऑन। कमेंट करो गाइस क्या लगता है कौन जीतेंगे, एलविश भाई की मर्सिडीज या बाबू भैया की लैम्बोर्गिनी? तो राजपाल यादव से बुलाएंगे एलविश भाई के बोल सकता है। ओके वॉइस, हम लोग आ चुके हैं फाइनली बाहर, और मेरे हाथ में एक थैला है। इस थैले के अंदर इतनी सारी चीजें हैं ना, इतनी सारी चीजें। हर एक गाड़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई साहब, इतने टाइम बाद मैं अपनी सुपर बाइक्स को देख रहा हूँ गाइस। इतने टाइम बाद अपनी सुपर बाइक्स को देखने के लिए मिल रहा है। इस थैले में सारी सुपर बाइक्स की चाबी है। एंड द थिंग इज इतने टाइम बाद हम लोग कोल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी सारी बाइकें गैराज में लगाने वाले हैं। बड़े एक सरप्राइज जो मुझे सब लोगों ने ना घर आकर के दिया है वो ये चेक करो गाइस। ये देखो अपनी KTM ना इन लोगों ने पहले जैसी। ये कब कराया? भाई क्या मस्त। और ये चेक करो ब्रो से ना भाई, ये तो खतरनाक, ये तो क्रेजी पहले जैसी करा दी। जिस KTM से शुरू करा था इन्होंने वैसी KTM बना दिया। अभी हम लोग फिलहाल के लिए सारी बाइकें लगा रहे हैं इस गैराज में। लैम्बो वहां से उठा करके यहाँ पर लेकर के आएंगे। फटफट कोल्ड स्टार्ट करते हैं और आवाज सुनाते लोगों को इतने टाइम बाद अपनी बाइक्स की। गाइस ये चेक करो गाइस, सारी बाइकों की चाबी आ रहे यार। BMW ZXNR, ये भी ZXNR, ये थार की चाबी, फिर ये किसकी चाबी है? ये KTM की चाबी भव्य, KTM की चाबी। और फिर ये हायाबूसा की चाबी, ये S1000RR की चाबी, और ये किस चीज की चाबी है? ये भी KTM। ये टोयोटा लिखा है इस पे, KTM की कैसे हो सकती है? टोयोटा की चाबी, ये KTM ने लिखा है इस चाबी पे। उसमें टोयोटा का टैग क्यों लगा रहे हो? यार
भैया की बात, कह रहे ये ना टोयोटा की चाबी है। टोयोटा की चाबी? अबे ये देखना टोयोटा में लिखा हुआ नहीं है। ई चेन है ना टोयोटा का। कोल्ड स्टार्ट करने वाली बाजें तो बनती हैं यार, कौन सी हायाबुसा और वो करेंगे। हर्ष भैया करेंगे अपनी जीन हाउस स्टार्ट। गाइस इतने टाइम बाद कोल्ड स्टार्ट हो रही है भाई। भाई साहब इतने टाइम बाद कोल्ड स्टार्ट करके अलग ही मजे थे गाइस। फिलहाल अभी सारी बाइकें जाएंगे क्लीनिंग पे गाइस, जब तक इन्हें क्लीनिंग पे भेजें तब तक लैम्बो और ला करके खड़ी करते हैं घर के पास और राव साहब की रेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं गाइस। ओके बॉयज हम लोग फाइनली हो चुके हैं रेडी अपनी लैम्बो को निकालने के लिए, फिर निकलेंगे ऐसे डेली फट 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 कोल्ड स्टार्ट करते। बारिश होने लग गई ब्रो। मैं बोल रहा हूं इसी कॉल राजपाल यादव। नंबर तो नहीं दिख रहा भव्या, तुम तो राजपाल यादव ऑफिशियल बन चुकी हो। लेट्स गो गाइस, गाड़ी निकालते हैं हाइलेक्स और चलते हैं पार्किंग की तरफ, फिर लैम्बो निकालेंगे। आ रहे हम लोग दिल्ली, ये चेक करो गाइस पूरी गैंग। क्या आ जा। अरे गिर जाऊंगा, अरे गिर जाऊंगा। दुष्यंत गिरना मत पीछे तुम। दुष्यंत ने कितना वो सुनो, सब गिर जाए हमारा वो फ्लैग ऑफ नहीं, राजपाल यादव नहीं गिरना चाहिए, फ्लैग ऑफ करने वाला। सुन क्या क्या बोल रहे हो, ऐसी जा रहे दिल्ली हम लोग, आ रहे हम लोग ऐसी दिल्ली गाइस। लैम्बो पीछे टो कर लेंगे। ओके गाइस जा रहे अपनी लैम्बो को लेने के लिए फुल पावर, रेस मोड ऑन। जब होता है ना तो अलग ही लेवल का क्रेज मचता है गाइस, और ये तो सबसे बड़ी रेस होने वाली है सदी की। एक पहले करी थी, अब तो ये उससे बड़ी लेवल की रेस होगी गाइस। इतनी हाइप का F1 रेस की होती है, राव साहब और बाबू भैया की रेस की होती है। ये गाइस हम उतर रहे हैं चीते इधर। मैं ना ऐसे भी खुलता है, ये ऐसे भी खुल करके उतर सकते हैं गाइस। मोए 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 मोए। गलत चाबी आ गई क्या? ओके बॉयज नीडू भाई लेकर के आ चुके हैं चाबी एंड खुल रहे हमारी पार्किंग के द्वार। निकालते हैं अपनी लैम्बो, कोल्ड स्टार्ट करते हैं। Can't really tell you guys, ये दिल्ली जाने की इतनी एक्साइटमेंट है बिकॉज बहुत सारी चीजों पे प्लानिंग चल रही है गाइज। एंड मैं आपको बता ही रहा था इन दोनों का वीजा भी आ चुका है। तेरा ही क्यों टक्कर भैया, प्लीज मियां खलीफा के लिए कुछ मत बोलना, बहुत रोस्ट हो चुका हूं। इतने मीम बने ना कल इसके, तो तुम्हें तो चढ़ना था बुर्ज खलीफा पे, हमने चढ़ने के लिए बोला था क्या? फिलहाल गाइस खुल चुके अपने दरवाजे, लैम्बो को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और निकालते हैं इसे बाहर। लेट्स गो। अपनी गाड़ी को साफ करने का मजा ही अलग है ना। बस ऐसी चार पांच गाड़ियां और खड़ी हो जाए घर में, रोज साफ करूंगा गाइस। एलिश भाई से एक शर्त लगा लेते हैं, एलिश जो रेस हारेगा वो अपनी गाड़ी दान में दे देगा दूसरे बंदे को। अगर हम हार गए तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म। फिर एक काम करेंगे हम लोग, ये साफ सफाई करने वाला धंधा ही शुरू कर देंगे। लैम्बो तो चली जाएगी, जान मुझ के हार जाना एलविश भाई। दिल्ली जाने के लिए फुल पावर तैयार हो चुके हैं। खानजादी को यहाँ पर मिटाएंगे और एलविश भाई के साथ ड्रैग रेस करेंगे। तैयार हो? कमेंट में मेरे को बताओ कितने एक्साइटेड हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं ना, पीपल विल गो क्रेजी गाइस। ओके बॉयज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली की शायद गलत बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग एक्चुअली मेन जा रहे हैं दुबई के लिए अपनी मैक्लेरेन लाने के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट गाइस। बस हाइलेक्स पे अपना सारा सामान लोड करते हैं, बारिश बुरिश वाला मौसम है तो लैम्बो को थोड़ा सा आराम से लेकर के जाना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट व्लॉग एकदम ओजी आने वाला है। कीचड़ में लगे थी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा है हर जगह। सिस्टम पैड कचल छोर टोर मा, छल्ला टोर मा, छल्ला टोर मा, गाड़ी पर जाना।
मैं तुम बैठा मैं जिटी रोड पे सिस्टम पैड़ का चल छोरे